पूरी पकौड़ी बनाएंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस नए ब्लॉग में। के बाद चलते हैं सीधे गौशाला की ओर। रिमोट हो गया खराब और मार्केट में कहीं, क्योंकि उन्हें भी पता लग जाता है। बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, चाहे वो इंसान के हो चाहे या किसी डॉगी के, क्योंकि बच्चों को देखकर हर किसी का मन बहक जाता है। तो आज की कहानी शुरू होती है हमारे शेरों से, क्योंकि आज दिवाली का त्यौहार है तो ये भी यहाँ पे बहुत खुश लग रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है भजन और कीर्तन की, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा यहाँ पे हमें निर्देशित किया जा रहा है कि हमें किस तरह से भजन और कीर्तन करना है। तो पहले पूजा करते हैं फिर भजन कीर्तन। पहाड़ों में ये रीत रिवाज है कि जब भी किसी मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ पे प्रसाद आपको बहुत ही ज़रूरी लेना होता है। तो हम लोगों ने भी आरती और पूजा करने के बाद यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें करना है भजन और कीर्तन। पूजा के बाद अब यहाँ पे सभी गांव के युवा जो सामान है भजन के लिए, स्पीकर, माइक, एम्पलीफायर या जो भी अन्य सामग्री होती है जैसे लाउड, तो वो हम ले जा रहे हैं गांव से मंदिर की ओर। संगीत का कार्यक्रम चालू हो रहा है और हमें संगीत बजाना आता नहीं है, तबला बजाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना अच्छा से अच्छा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे स्टार्ट है करना वाला। Thank you.
पहले बात करें इच्छा भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या भजन और कीर्तन की जो भजन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और अभी लगभग मैं गया था, थोड़ा घर पे कुछ काम था, तो अभी लगभग काफ़ी लोग पहुंच गए होंगे भजन कीर्तन करने के लिए। आइए सीधे चलते हैं मंदिर में और दिखाते हैं आपको कि मंदिर में कितने लोग पहुंच चुके हैं और मंदिर पर कीर्तन कौन कौन कर रहे हैं। वेट और इन्जॉय कीजिए, तब तक बने रहिए ब्लॉग के साथ। इस तरह उसे सजाई गई है और दिवाली मनाई गई है। प्रणाम, बस हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। शरद भाई हैं और इन्होंने लगा रखी पटाखे की दुकान। तो इनसे पूछना है कि जो ये पटाखे हैं वो किस किस रेंज के हैं? कटाखे लग जाएगी भाई आप लोग, एक तरह से ले लो, टोकरी है टोकरी में छान के ले लो। अच्छा ठीक है, तो चलिए आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है जी, तुम भी बैठे भाई, हमारे भाई पवन भाई। पवन भाई, अच्छा दीपावली के अवसर पे यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं जिनका नाम है प्रियांशु, है ना? हाय कर जो कि कैमरे पे आने पे शर्मा रहे हैं। हम यहाँ था पिछले। अच्छा, ये हमारे सेकंड सब्सक्राइबर हैं। हाँ तो ठीक है, तो हैप्पी दिवाली आपके लिए। आपको भी हैप्पी दिवाली। और आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं?
कुछ दीपावली के अवसर पे थोड़ा पटाखे कम फोड़ो बस। अच्छा। पॉल्यूशन हो रहा है ना पटाखों से बहुत, केवल पॉल्यूशन हो रहा है पटाखों से। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और कुछ नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द है। ठीक है जी। यहाँ पे अब पूरे गांव के जो लोग हैं तो नाइट में भी मंदिर के प्रांगण में भजन और कीर्तन का कार्यक्रम रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, सारे गांव के लोग यहाँ पे मंदिर में आए हैं। तो अभी शाम का जो लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी पूजन होने के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रतीक्षालय में बैठे हैं और मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे पीछे माँ भगवती का टेम्पल है, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। और भजन कीर्तन लगातार 2 दिन से जारी है और अभी रात भर तक जारी रहेगा। चलिए एंजॉय कीजिए माता के भजन का। हेलो सो बहुत जल्दी आग पकड़ो मैं जा रही हूं जैसा खुशो इधर 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 वैसे